तो इसमें कोई राज की बात नहीं है कि व्लॉगिंग चैनल्स आज के टाइम पे आर सम ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स ऑन यूट्यूब। फ्लाइंग बीस्ट, सौरभ जोशी व्लॉग्स, इंडियन बैकपैकर, लिस्ट खत्म नहीं होती। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, सम ऑफ द मोस्ट लव्ड व्लॉगिंग चैनल्स। ये चैनल्स डेली बेसिस पे इतने ज्यादा व्यूज लाते हैं जितने आपके और मेरे चैनल्स पे शायद कंबाइंड व्यूज नहीं है। बट क्या है राज इनकी ग्रोथ का, कहां से आ रहे हैं व्यूज एंड कैसे आप अपना व्लॉगिंग चैनल बड़ा कर सकते हो? दीज आर द क्वेश्चंस जो इस वीडियो में आंसर करने वाले हम। What's up guys, my name is Angad, welcome to AKS दूसरा, where we talk about YouTube growth and everything related to it। तो अगर ये सब पसंद है, hit that like button and subscribe to the channel right now। अब देखो, एक vlogging channel भी एक YouTube channel है, मतलब इसके भी कुछ basic rules हैं and mostly दो ही rules रहते हैं, quality content and consistency। अगर कोई भी channel ये दो चीजें manage कर ले, maintain कर ले, तो वो grow होगा ही होगा। अब मैं यहाँ 5 मिनट ये नहीं समझाऊंगा कि व्लॉगिंग चैनल्स क्या होते हैं, यू नो व्हाट इट इज, अलग अलग टाइप के व्लॉगिंग चैनल्स होते हैं, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन, लेट्स सी क्या हम बड़े बड़े व्लॉगिंग चैनल से सीख सकते हैं जो आप अपने चैनल पे यूज करके अपना चैनल ग्रो कर सकते हो जल्दी से। टिप नंबर 1, बी रिलेटेबल। बहुत सारे नए यूट्यूबर्स अपने गुरुज को देख के, सारे बड़े चैनल्स को देख के अपने व्लॉग शुरू करते हैं, एंड समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप गलत जगह पे इंस्पिरेशन ले रहे हो। अगर फ्लाइंग बीस के इस टॉपिक पे व्यूज आए या सौरभ जोशी के इस टॉपिक पे व्यूज आए, जरूरी नहीं कि आपको आएंगे। वो अपनी ऑडियंस बना चुके हैं, अब वो कुछ भी डालेंगे, उनकी एक लॉयल फैन बेस तो देखेगी ही देखेगी। आपको अपनी करंट ऑडियंस और अपनी नई ऑडियंस जो अब तक आई भी नहीं है, उनके लिए रिलेटेबल रहना है, कोई आपकी वीडियो क्यों देखेगा। अगर आपका एक चैनल है जिसपे आप सिर्फ महंगी महंगी चीजें दिखाते हो, सिर्फ महंगी महंगी जगह जाते हो, यू माइट बी एंटरटेनिंग फॉर सम पीपल, बट आप रिलेटेबल नहीं रहोगे फॉर द मास ऑडियंस ऑफ इंडिया। वैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको महंगी चीजों में इंटरेस्ट है, जानने में इंटरेस्ट है, बट वी लिव इन अ कंट्री जहां शायद इतने सारे लोग ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे रिलेट नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि आप वीडियोस किसके लिए बना रहे हो और वो आपकी वीडियोस क्यों देखेंगे। इस टॉपिक पे हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो अगर रिलेटेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, तो ये समझिए अगर सौरभ जोशी आज के दिन एक व्लॉग डाले अपने नीचे पार्क में जाके क्रिकेट खेलने की, शायद उसको मिलियंस ऑफ व्यूज आए। अगर आप वही वीडियो बनाओ सोच के, ओहो क्रिकेट पे लोगों को प्यार आता है, तो शायद आपको 200 व्यूज भी ना आए, क्योंकि उस वीडियो में सौरभ जोशी के लिए आए हैं लोग, क्रिकेट के लिए शायद इतना नहीं। और यही गलती होती है नए व्लॉगर्स से। अगर आप एक नए व्लॉगर हो, आपने अभी तक अपनी ऑडियंस से एक ट्रस्ट नहीं बनाया, एक नाम नहीं बनाया, तो एक रैंडम बंदे को इंटरनेट पे वो क्रिकेट देखते हुए क्यों देखना चाहेंगे? ना जान ना पहचान, वीडियो क्यों देखें आपकी? बट भाई मेरे इस दोस्त की वीडियो थी, उसने तो कुछ छोटा मोटा किया था, वो वीडियो तो वायरल हो गई थी। हाँ भाई, एक्सेप्शंस होते हैं, कभी कभी कुछ वीडियोस किसी भी रीजन से वायरल हो जाते हैं रेकमेंडेशन में आ आके। बट अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, कोशिश करो जो भी टॉपिक बना रहे हो उस टॉपिक को आप इस तरीके से प्लान करो कि इंटरनेट पे किसी के भी सामने वो टॉपिक आए, वो उससे रिलेट कर पाए। हमेशा अपनी वीडियो बनाते वक्त ये सोचा करो कि सिर्फ आपके दोस्त और फैमिली नहीं, अगर कोई रैंडम इंसान भी इंटरनेट पे, उसके सामने ये वीडियो आए, क्यों वो क्लिक करेगा? क्या वो टॉपिक इंटरेस्टिंग है? क्या उसके लिए रिलेटेबल है? क्या फीलिंग जागेगी उसके अंदर? यहाँ पे आपका टाइटल और थंबनेल पे बहुत फर्क पड़ता है, बट फिर भी ब्लॉग का कंटेंट तो फिर भी मेन है। सो बी रिलेटेबल। अब जैसे सौरभ जोशी की बात करते हैं, तो सौरभ जोशी खुद को और अपनी फैमिली को और अपने छोटे भाई को अपनी वीडियोस में इतना ज़्यादा रखता है कि उसकी एज से लेके, उसके छोटे भाई की एज से लेके, उसकी फैमिली, उसके एल्डर्स के एज के लोग भी उसकी वीडियोस देख सकते हैं। सबको कुछ ना कुछ अपने लिए मिल जाता है सौरभ जोशी के व्लॉग्स में। अगर बात करें इंडियन बैकपैकर की, तो अनमोल जायसवाल को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, और इंडियन बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है ऑन अ बजट, एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड। उसने अपनी वीडियोस ऐसे स्टार्ट करी थी, ही बिकेम अ रिलेटेबल पर्सन, कि भाई ट्रैवल तो करना है बट पैसा बहुत सारा नहीं है, तो कैसे ट्रैवल करें? दैट्स हाउ ही बिकेम रिलेटेबल टू द पीपल। तो यही चीज़ आपको अपने लिए ढूंढना है। अब ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, आप वीडियोस किस के लिए बना रहे हो? क्या आप सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हो? क्या आप टीनेजर्स के लिए बना रहे हो? क्या आप मैच्योर ऑडियंसेस के लिए बना रहे हो? अगर आप बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हो अपनी वीडियोस में, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े लोग आपको ना अट्रैक्ट हो इन योर कॉन्टेंट। या फिर अगर आपकी सारी वीडियोज अबाउट बाइंग स्टफ या इन्वेस्टिंग, लेट्स से व्लॉग्स में काफ़ी मैंने नए फाइनेंशियल व्लॉगर्स भी देखे हैं, तो हो सकता है कि यू आर टारगेटिंग एन ऑडियंस इनके पास पैसा है, एंड अभी बहुत यंगर ऑडियंस इज नॉट इन दैट कैटेगरी। तो अगर आपको ज़्यादा व्यूज चाहिए, कोशिश करो टू मेक कॉन्टेंट दैट ज़्यादा से ज़्यादा एज ग्रुप्स देख पाए। ओके, वी नीड टू टॉक अबाउट समथिंग, डेली व्लॉगिंग।
ओके, तो रिमेंबर व्हेन आई सेड कंसिस्टेंसी जरूरी है, येस, ऑल योर फेवरेट डेली व्लॉगर्स ऑलमोस्ट रोज अपलोड कर रहे हैं एंड मिलियंस ऑफ व्यूज ला रहे हैं. ऐसा अभी तक एक दिन नहीं गया जब सुबह उठ के सौरव जोशी का व्लॉग 8 बजे ना आया हो, एंड उसको देख के कोई भी यही सोचेगा कि हाँ भाई डेली व्लॉग्स बहुत ज़रूरी हैं. बट यहाँ पे आता है डेली व्लॉग्स का एक उल्टा तरफ. कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, बट साथ में ज़रूरी है क्वालिटी कॉन्टेंट. अब देखो, ये किसी से राज नहीं है कि व्लॉगर्स भी इंसान हैं और हर रोज़ एक इंटरेस्टिंग दिन नहीं होता किसी भी इंसान की लाइफ में. काफ़ी बार हमें सिचुएशंस या कहानियाँ बनानी पड़ती हैं, और यही प्रॉब्लम होता है लॉन्ग टर्म में एक व्लॉगिंग चैनल को ग्रो करने में. अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और आप ज़बरदस्ती के व्लॉग्स रोज़ डाल रहे हो, एक उल्टा इफेक्ट होता है कि ये बंदा तो कुछ भी डाल रहा है, एंड वो आपकी ब्रांडिंग के टोटली अगेंस्ट चला जाता है. 4 अच्छे व्लॉग्स में से अगर 3 सिर्फ आपके घर पे, आज मैंने कुछ नहीं किया, आओ मुझे सेम चीज़ रोज करते हुए देखो, शायद काफ़ी लोग उसे नेगेटिवली ले लें. तो अगर आपको डेली व्लॉग करना है, येस, यू माइट ग्रो वे फास्टर, बट दैट इज ओनली अगर आप क्वालिटी कॉन्टेंट भी डालो. एंड सीधा डेली व्लॉग करना इज नॉट द गोल. कोशिश करो हफ्ते में एक आए, फिर हफ्ते में 2 आए, हफ्ते में 3 आए, देन यू कैन ट्राई. अगर आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो रही है, आप रोज़ कहीं जाते हो, कोई ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ दिखा सकते हो फॉर ईयर्स टू कम, तभी डेली व्लॉग करो. डेली व्लॉगिंग इज़ अ मेजर रीज़न कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स के भी व्यूज़ गिर गए हैं, बिकॉज लोगों को पता है रोज़ इसने वही चीज़ करनी है. एंड ज़बरदस्ती व्लॉगिंग का ये मतलब नहीं होता, हाय गाइस, आज मेरे दिन में ये हुआ. समटाइम्स इट कैन बी स्टोरीज. इरफान जो ने जो खुद को एक व्लॉगर नहीं बुलाता, बट स्टिल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्लॉगिंग, बट आई स्टिल फील वो बंदा व्लॉग्स जगह शॉर्ट फिल्म्स बना रहा है. कैमरे वाले भैया भी इसी कैटेगरी में आते हैं, दिल्ली का लड़का भी इसी कैटेगरी में आते हैं. हर वीडियो में कुछ नया है और रोज़ रोज़ नहीं आ रहा तो बोर भी नहीं हो रहे. तो डेली व्लॉगिंग इज गुड, बट बी केयरफुल, अगर ज़रूरत नहीं है मत करो. व्लॉगिंग चैनल्स ग्रो करने का एक और तरीका है कि बेशर्म होके प्रमोट करो इन अ गुड वे. जैसे कि मेरा भी एक व्लॉगिंग चैनल है कॉल्ड रियली एकेएस, चेक इट आउट ओवर हियर, यहाँ जाके देख लो अभी, बिना सब्सक्राइब किए वापस मत आना, बट वापस आ जाना, बस हवा निकल गई. डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी लिंक छोड़ दूंगा, चिल मारो. ओके, यहाँ पे आता है एक टिप दैट आई फील थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट काफी लोगों को शायद इसमें से फायदा मिल जाए जो मैं देना चाहता हूँ. आई फील इंडिया में अभी व्लॉगिंग काफी ज्यादा लिमिट हो चुकी है ऑन लोग किस हद तक अपने कंटेंट को पुश कर सकते हैं. आज के टाइम पे 80-90% ऑफ व्लॉग्स ऑन यूट्यूब इंडिया लुक समथिंग लाइक दिस. गुड मॉर्निंग गाइज, आज मुझे बाहर जाना है. गाइज मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं लिफ्ट बुला रहा हूँ. लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट खुल गई. मैं बाहर आ गया, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ. अब अननेसेसरली गाड़ी चलाते वक्त भी तो व्लॉग करना है ताकि सेफ्टी पे डिस्ट्रैक्शन हो. तो गाइज जहाँ मैं गया था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया. दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, मिलते हैं कल. बस ज़रूरी नहीं व्लॉग्स ऐसे ही लगें और इसी फॉर्मेट में आए. इसलिए माई टिप टू यू इज़, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद योर कॉन्टेंट, इफ़ यू वॉन्ट समथिंग न्यू, थोड़ा सा अपने देश के बाहर का कॉन्टेंट भी देखो. इट कैन बी एनी कंट्री, इट कैन बी एनी क्रिएटर, इट कैन बी अ क्रिएटर बाहर विद हंड्रेड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स. इंडिया में भी काफ़ी अंडर रेटेड क्रिएटर्स हैं, बट अभी वी आर स्टिल लर्निंग, अ लॉट ऑफ अस आर स्टिल लर्निंग. इंस्पिरेशन लो फ्रॉम लोगन पॉल के व्लॉग्स, वॉच डेविड डोब्रिक के व्लॉग्स. मैं यहाँ नाम और नहीं लेना चाहता क्योंकि तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर नहीं आए तो तुम गालियाँ दोगे. वॉच दीज पीपल, सी वॉट दे आर डूइंग. हर चीज़ करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट उनकी एडिटिंग, उनकी शूटिंग, द जोक्स, ट्राई इम्प्लीमेंटिंग दैट इन योर वीडियोज, ट्राई लर्निंग समथिंग न्यू. अब देखो, तुम्हारा भाई ने अपने व्लॉगिंग चैनल को प्रमोट तो कर दिया इस वीडियो में, जो मुझे पता है तुम लोग सब्सक्राइब करके देख लोगे उस पर कॉन्टेंट. बट आई ऑल्सो हैव अ व्लॉगर फॉर यू जो मेन स्ट्रीम यूट्यूब पे पॉपुलर है एंड कैन गिव यू अ फ्यू गुड टिप्स ऑन हाउ यू कैन ग्रो अ व्लॉगिंग चैनल. क्या उसके लिए चला, तो भाई ओवर टू हिम. भाई यार, मेरे हिसाब से ना इस टाइम पे जो डेली व्लॉग्स है ना या फिर लाइफस्टाइल व्लॉगिंग है वो ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, उसमें ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ज्यादा फ्यूचर भी दिख रहा है एज कम्पेयर टू जो कंटेंट वाली व्लॉगिंग है. बट अगर आप एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हो व्लॉगिंग को और उसमें स्टार्टिंग से अपनी लाइफ दिखा रहे हो तो भाई कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपकी लाइफ देखने में. अगर आपको उस स्टेज तक पहुंचना है ना कि आपके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस हो जो आपके रेगुलर व्लॉग्स देख रही है, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ कॉन्टेंट वाइज व्लॉगिंग करनी पड़ेगी जिसमें आप कुछ भी दिखा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो या कुछ यूनिक कॉन्टेंट आ रहा है.
तभी आपकी एक ऑडियंस बेस जो है वो शुरू होगी जुड़ना, नए नए ऑडियंस आएगी, नए नए सब्सक्राइबर्स आएंगे, व्यूज आएंगे, और उसके बाद उनमें से कुछ लोग आपके चैनल पर रुकेंगे जो आपकी वीडियोस को रेगुलर देखेंगे। तो इसलिए यार स्टार्टिंग से ही आप बड़े क्रिएटर्स को मत देखो कि वो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम भी शुरू कर देते हैं और जी फेमस हो जाएंगे शुरू में। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको चैनल ग्रो करने के लिए पहले कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो भाई थैंक्स टू अनमोल फ्रॉम इंडियन बैकपैकर फॉर दोज टिप्स, काफी काम आई मेरे को भी, आपको भी होपफुली आ जाए। एंड इफ यू आर एन इंडियन बैकपैकर फैन तो नीचे ना कुछ लिंक्स हैं ऑन टू पॉडकास्ट जो मैंने अनमोल के साथ करे थे, विच उसकी पूरी ग्रोथ, पूरा उसकी स्ट्रैटेजीज सब कुछ उसमें हमने बात करी थी, गो वॉच दैट एज वेल। बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू एंजॉयड बी श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। उसी के साथ आई विल टेक योर लीव, बट दोज आर टू वीडियोज दैट आई फील यू शुड नॉट मिस, आपको काफी काम आ सकती हैं। Go watch them and मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।